हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों एक फोन है, आज हम इसका डिस्प्ले बनाएंगे। मतलब इसमें लाइट और डिस्प्ले दोनों नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम इसमें मदद लेंगे बोर्नियो की और स्कमेटिक दोनों, तो हम दोनों से देखेंगे। ये वीडियो बिगनर लोगों के लिए है। बिगनर मतलब जिन लोगों को अगर डिस्प्ले लाइट दोनों बनाने में दिक्कत आ रही है, और अगर वो बोर्नियो से पढ़ रहे हैं या बोर्नियो से पढ़ना चाहते हैं या बोर्नियो से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। बाकी मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले जरूर बोलूंगा कि अगर आप बोर्नियो पर डिपेंड होकर करना चाहते हैं तो आप मार्केट का बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे। आप के दिमाग में हमेशा ये टेंशन रहेगी कि जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ सामने वाला क्यों कर रहा है। क्योंकि बोर्नियो दोस्तों किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया है, बोर्नियो एक संस्था है, बोर्नियो करके उन्होंने बनाया है, जिसके फाउंडर है रिजल। तो उनकी जो संस्था है वो ह्यूमन एरर पर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा है बोर्नियो में। बोर्नियो में पूरी लाइनें जानकारी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर परचेस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, आपको डायरेक्ट लाइन भी दे देती है, बट इसमें पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए सर्किट और स्कीमेटिक का नॉलेज लीजिए, और इसे टेलीकॉम में आपको विदाउट स्कीमेटिक कैसे पढ़ाया जाए वो सिखाया जाता है, स्कीमेटिक से भी ऊपर। खैर, पर ये वीडियो मैं बेसिक तौर पे बना रहा हूँ, तो इसको बेसिक तौर पे लीजिए। अब देखिए, रेडमी का 9A है और इस पे ऑलरेडी पतरे वतरे भी सब निकले हुए हैं, आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अभी माहौल ये है, ये देखो, ठीक है। अब इसको मैं आपको इसका चार्जिंग एम्पियर दिखाता हूँ, प्लस इसको फोन को ऑन करके दिखाता हूँ कि फोन ऑन तो हो रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। बहुत सारे टेक्नीशियन डेड फोन ले लेते हैं ये सब इस कंडीशन पे, तो कैसे चेक करें, सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, नोटिस कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा एम्पियर मीटर। तो इसमें मैं चार्जर लगा रहा हूँ, नोटिस करना। देखिए अब जैसे ही मैं चार्जर इन कर रहा हूँ तो इसमें एम्पियर देखिए कितना आ रहा है। देखिए 0.60 तक जा रहा है एम्पियर, 1.1, और देखिए सामने ब्लैंक डिस्प्ले है, तो मतलब एम्पियर 1.1 तक तो जा रहा है। और देखिए पापा जी, देखिए आ गया, पर आपके फोन में डिस्प्ले नहीं है। तो ये ऑन कंडीशन के एम्पियर होते हैं, जब भी ऐसे एम्पियर है तो मतलब ऑन कंडीशन के एम्पियर है, मतलब हमारा फोन ऑन तो हो रहा है बट ये हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसी चीज को मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा, नोटिस करो, ये देखो आप इसमें देखिए डीसी मशीन में। तो डीसी मशीन में मैं दिखाता हूं, पहले मैं डीसी की वायर लगा देता हूं, देखिए डीसी की वायर लगा दी, अब पावर की दबाऊंगा, ये देखिए पावर की दबा दी, और नोटिस कीजिए डीसी की जो रीडिंग है वो 20, 30, 40 पर फ्लक्चुएट करेगी, और फोन में कोई डिस्प्ले नहीं है, देखिए, ठीक है। यहाँ फोन ऑन हो गया है पर फोन में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब ये हटा देते हैं, ये हटा दिया। तो देखा होगा आपने कि हमारे फोन में डिस्प्ले नहीं है, तो इसमें क्या चेक करें दोस्तों। अगर आपके पास कभी ऐसा आए फोन में डिस्प्ले ना हो, तो आप अपने फोन को डायग्नोस तो करें साथ में, क्योंकि डिस्प्ले ना आने, यहाँ पर फोन हमारा ऑन है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले ना होना बहुत सारी कंडीशन को शो कर सकता है, पहले मैं डायग्नोस करता हूँ। देखिए मेरा जो पावर का पत्रा है वो निकाला गया है, और मेरा नेटवर्क का पत्रा निकाला गया है, यहाँ पर हीट भी दी है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों दी है। तो यहाँ पर भी देखो ये आईसी भी चेंज हुई है इसकी, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी कुछ काम हुआ है।
तो सीपीयू पर काम नहीं हुआ बस, पर पतरा निकाला है उस पर। आई होप कि सीपीयू पर हीट ना दी हो। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन ओके है। अब आइए इस पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें लाइट और डिस्प्ले दोनों नहीं आ रही है, तो हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें ग्राफिक्स की लाइन चेक करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका डिस्प्ले अगर ब्लैंक हो तो हमेशा आप ग्राफिक्स की लाइन सबसे पहले चेक कीजिए। तो सबसे पहले हम जीआर चेक करेंगे। सो आइए, जीआर के लिए मैं एक विंडो ले लेता हूँ, तो बोर्नियो, नोटिस करो मैंने बोर्नियो लिया है इधर। बोर्नियो लिया है इधर, ये देखिए। और अब बोर्नियो इसलिए क्योंकि मैं तो बोर्नियो तो पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं सच बताऊँ, मैंने पूछ रहा स्टूडेंट से कि कभी मैंने आज तक बोर्नियो क्लास में खोलते ही नहीं हूँ। स्टूडेंट बोलते सर बोर्नियो से तो पढ़ा दो। क्या ही बोले हम। कहाँ है तू भाई बोर्नियो, आइए है। तो ये बोर्नियो में ये जो जितनी भी कनेक्शन की सप्लाई है, ये हमारी डिस्प्ले की सप्लाई है। आप समझ रहे हैं, ये सब हमारी डिस्प्ले की सप्लाई है। अब ये हमारी सारा डाटा की लाइन है, ये हमारा ये सब सीपीयू से आता है। ये डाटा पॉजिटिव, ये डिस्प्ले, डाटा थ्री, डाटा जीरो, डाटा क्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव, डाटा डाटा वन, डाटा टू, एलसीएम रीसेट की लाइन है। ये हमारे ग्राफिक्स को रिसेट करने के लिए है, और ये हमारे +5 -5 का वोल्टेज है। ठीक है, ये 1.8 VIO की लाइन है, और एक 4 वोल्टेज VS YS है। बस इतना ही दिया है क्या? अच्छा, मीडिया टेक है, आईडी लाइन नहीं दी है। ठीक है, तो जितनी इन्होंने दिखा रहे उतनी है। अगर मैं दोस्तों एक बार स्कीमेटिक भी खोलूं, तो आइए स्कीमेटिक भी खोलते हैं। तो इसको बंद कर देते हैं और स्कीमेटिक ओपन करते हैं। तो देखिए, अब मैंने स्कीमेटिक ओपन किया हुआ है, नोटिस कीजिएगा। और यहां पर हम खोलेंगे Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9A। ठीक है, आप कभी भी एसर टेलीकॉम आए तो ऐसे जितने फोन हो सकते हैं उतने लाइए, सारे बनवाऊंगा मैं। बहुत इजी है ये सारे फोन। तो कनेक्टर को क्लिक करने पर भी कनेक्टर नहीं आ रहा है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? हाँ, तो जूम करके हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे भाई, J3001। ये देखिए कनेक्टर आ गया। अब थोड़ा सा इस कनेक्टर को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलो आप लोगों को दिख रहा बढ़िया से। वो क्या है दोस्तों, रातों में, रातों रात में काम करते हैं ना, इसलिए रात में काम करने में ऐसे ही होता है, उबासी आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और ठंड भी है। अब क्या करें, आपको कनेक्टर को एक्सप्लेन किया जाए ना। सो नोटिस करो दोस्तों, ये सारी मीपी की लाइन है। इसको कहते हैं मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, डाटा सप्लाई IO, डाटा जीरो पॉजिटिव LCD, वैसे ही डाटा नेगेटिव। ये डाटा आप देखिए, डाटा जीरो, डाटा वन, डाटा टू और डाटा थ्री, चार लाइनें होती हैं, जिसमें से एक क्लॉक डाटा पॉजिटिव, एक क्लॉक पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक ये LCD NTC की जो लाइन है दोस्तों, ये पावर के अंदर जाती है। तो ये थर्मल की लाइन होती है, और ये PX जो प्राइमरी RX है, ये ट्यूनर है। ये दोस्तों ये सारी लाइनें हमारी उसमें नेटवर्क की लाइनें हैं, जो सेंसर्स होती है उनकी लाइनों के लिए यूज होता है हमारी, क्योंकि ये B2B कनेक्टर है ना यहाँ पर। तो ये आप देखिए, 60 सेंसर लगा हुआ है एक,
आपने सार सेंसर तो सुना होगा क्या करता है। नहीं तो मुझे बताइए कमेंट पे, और जिस जिसको पता है सार सेंसर क्या करता है थोड़ा कमेंट पे बताइए, लोगों को भी पता चले। आप देखो एनसी कैप सेंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बताइए क्या है। स्पीकर की लाइन है, यूएसबी डी प्लस डी माइनस की लाइन है, प्रोटोकॉल है, माइक की सप्लाई है, बायस माइक बायस की वोल्टेज की लाइन है, ये आपकी डा प्लस माइनस देख रहे हो आप, ये आपने बोर्नियो में दिखाया था मैंने, ये 1.8, ये आपकी सारी सीटी, ये टच की लाइन है आपकी, ये आपकी एरर फ्लैग लाइन है। अब एरर फ्लैग लाइन कहाँ जाती है आइए देखते हैं। ये एरर ऐसी है जितनी वी आई 1.8 से ले रही है, और एक एनसी है, मतलब इसको क्या मानेंगे। तो वोल्टेज तो नहीं आ रहा है इस पर, ये तो क्लियर है, और ये आ रहे हैं आपकी सीपीयू से। ये एक एसपीआई प्रोटोकॉल है दोस्तों, एसपीआई प्रोटोकॉल के तहत आ रहा है जीपीआईओ, सो बेसिकली एसपीआई सप्लाई है। खैर एरर फ्लैग अभी क्या काम करती है मुझे पूछिए आप कमेंट पे, मैं आपको आंसर दूंगा। ये आपकी एलसीएम पीडब्ल्यूएम लाइन है, आप आई होप की ये लाइन भी आपको पता हो, नहीं पता है तो पूछिए कमेंट पे मैं आंसर दूंगा। रिसेट की लाइन मैंने बताई थी, और ये आपकी लाइट की सप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसमें ये मीपी की लाइन चेक करेंगे, फिर हम ये प्लस फाइव माइनस फाइव भी देख सकते हैं। देखो प्लस फाइव माइनस फाइव जो सप्लाई है ये देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये लाइनें है ना यही लाइन होती है जो हमारी कहां ओपन होती है, प्लस फाइव माइनस फाइव। तो अच्छा ये बिल्कुल सर्च करने को तैयार ही नहीं है, सो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस फाइव माइनस फाइव की सप्लाई कनेक्टर पर तो चेक करना नहीं है, आईसी में चेक कर लेते हैं। ये देखो आईसी के पास भी कैपेसिटर लगा हुआ है। आइए मैं सबसे पहले आपको यही सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ, और फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखो हाइड कर दिया है, अब सबसे पहले प्लस फाइव माइनस फाइव की सप्लाई चेक करेंगे, वोल्टेज की सप्लाई है तो वोल्टेज देके चेक करेंगे। तो पहले इसको डीसी वोल्ट पे रख लेते हैं दोस्तों। प्लस फाइव माइनस फाइव पे ना जीआर मत चेक कीजिए, क्योंकि प्लस पे तो मिलेंगे पर माइनस पे नहीं मिलेंगे। अब आप पूछिए मुझसे माइनस पे क्यों नहीं मिलेंगे, दूंगा आंसर। चलो तो डिस्प्ले कनेक्टर लगा लिया, बैटरी लगा ली, पीसीबी को मोड़ लिया, और थोड़ी लूज है तो इसलिए मुड़ जा रही है, नहीं तो बैटरी निकालनी पड़ती। अब यहां पे नोटिस करो, यहां पर ये आईसी है आपकी ग्राफिक्स आईसी, ये दिख रही है यहां पर ये, और ये जो कैपेसिटर लगे ना यहीं पे प्लस फाइव माइनस फाइव के कैपेसिटर है। तो हम क्या करेंगे, हम चार्जर लगाएंगे और वहां पे हम वोल्टेज चेक करेंगे था ग्राफिक्स का। चलिए आपको मैं थोड़ा सा स्कीमेटिक में भी आपको दिखाता हूं कि ये उसी का है कि नहीं है, नोटिस कर लो, ठीक है। स्कीमेटिक में भी दिखा देते हैं, देखिए अब इसमें आप नोटिस करो, मैं सीपीयू के पास जाऊंगा, ये सीपीयू है, ये आईसी है। अब यहां पे देखो ये है C414, ठीक है, और C416, ये देखो C416 ये दिख रही है आपको, यहां पे मिलने चाहिए एलसीएम एबी, मतलब प्लस फाइव, प्लस फाइव वोल्टेज, ये C4, और इस पर मिलने चाहिए माइनस, ये 417 पे माइनस, ऊपर ऊपर ग्राउंड है नीचे। सो चलो फिर से चेक कर लेते हैं, दोनों ही वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको ऑफ कर देते हैं ये, अब फुल स्क्रीन करते हैं, वोल्टेज चेक करेंगे चार्जर लगा के, चार्जर लगाया, माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में,
और वोल्टेज चेक करेंगे, फिर लगाया, बैटरी निकल गई, तो बैटरी को लगाएंगे वापस, ठीक है। और ज़्यादा बार बार निकल गई तो टेप लगा लूँगा फिर मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जर को लगाया, देखिए 5 वोल्टेज और देखिए -5, तो मतलब दोनों वोल्टेज बन रहे हैं। मतलब मेरा ग्राफिक्स में मेरे को प्लस में है, मतलब वोल्टेज, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ग्राफिक्स के ना वोल्टेज की लाइन चेक करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम यही लाइन खराब होती है। अब क्या करें, अब इसकी मीपी की लाइन चेक करेंगे, मीपी की लाइन। अब मीपी की लाइन में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला आपके लिए, क्योंकि आप बेसिक में तो बोर्नियो यूज कर लेंगे, ये तो ये बोर्नियो यूज कर लेते हैं मीपी की लाइन में। तो यहां पर जाते हैं और फुल स्क्रीन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मीपी की लाइन के हिसाब से हम अपना चीजें चेक करेंगे। सो हम मल्टीमीटर को यूज करेंगे कौन से मोड में, बताइए। मल्टीमीटर को हम यूज करेंगे डायोड मोड पे। तो डायोड मोड पे यूज करेंगे मल्टीमीटर को। तो आप देखिए ग्रीन वाली सप्लाई, ये मेरी ग्रीन वाली सप्लाई है। अच्छा, यहां पर नोटिस करना, थोड़ा सा मेरे को कंपोनेंट हल्का सा टूटा हुआ नजर आ रहा है, नोटिस करो। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ड्यूअल कॉइल है, ठीक है। कुछ लोग इसको रजिस्टर भी सो बुला सकते हैं, बट ये रजिस्टर नहीं है। तो इसकी सप्लाई चेक करेंगे, तो यहां पर ये हमें जीआर आ रहा है, यहां पर जीआर, ये ग्राउंड, फिर हमें यहाँ का जीआर, ये हमारी पिंक और रेड, फिर ग्राउंड, फिर हमारा ब्लू, ये ब्लू, फिर हमारा, आप नोटिस करो तो ये जो लाइन है, और फिर ये, अब फिर ग्राउंड, अब हमारा ग्रीन। तो देखिए ग्रीन नहीं आ रहा है, ओके। देखिए मैंने एक सिरे को ग्राउंड पे लगाया है, मुझे एक तो आ रहा है पर मुझे ग्रीन नहीं आ रहा है। तो ये लाइन क्या है, आइए इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। ये है आपका ड्यूअल कॉइल, और ड्यूअल कॉइल बेसिकली दो कॉइलों से मिलकर बना होता है। दोस्तों इसका काम होता है, ये फ्रीक्वेंसी की लाइन में लगा होता है, जहां जहां फ्रीक्वेंसी पास करानी होती है ना, ये वहां लगा होता है। तो ये कॉइल ऐसे ही सड़ जाते हैं, देखिए जैसे कॉइल सही होंगे ना तो ये बीप मारेंगे, मतलब सही है, देखिए ना ये बीप मार रहा है, ये तो टूटा हुआ लग रहा है मेरे को ना, ये बीप मार रहा है। अगर कॉइल सही होते हैं तो बीप मारते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इस कॉइल को निकाल दें या क्या करें, आप चेंज भी कर सकते हैं, पर इस पर जम्पर भी लगा सकते हैं। हम चेंज भी करते हैं और जम्पर भी लगाते हैं, हम दोनों काम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं जम्पर लगा के दिखाता हूं और फिर मैं चेंज करके दिखाऊंगा पर मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इस पर पेस्ट लगाएं और आयरन को 350 डिग्री सेल्सियस पर रखकर इसको हल्का सा टच करें। तो देखिए ये आसानी से निकल जाता है। अब नोटिस कीजिए, बिल्कुल टूटा हुआ सा कॉइल है, देखिए देख रहे हैं। अब इसके पैड बना लें, सबसे पहले इस पर एक जम्पर मारेंगे,
और उसके बाद अगर काम हो जाता है तो उसको चेंज करेंगे। मैं दोनों बता रहा हूं ताकि आपको दोनों प्रैक्टिकल मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने जंपर फाइनली मार दिया है, ठीक है। और ये मैंने एक टेम्पररी जंपर मारा हुआ है, मतलब सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए। मैं इसमें कंपोनेंट ही लगाऊंगा, है ना, क्योंकि ज्यादा बेटर है कंपोनेंट लगाना, ठीक है। तो मेरे जीआर आ गए, एक बार मैं चेक कर लूं। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि जंपर से काम होता है कि नहीं होता है, मतलब रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो जंपर से रिजल्ट है वो आता है कि नहीं आता है फोन में। नोटिस कीजिएगा, देखिए तो जंपर से रिजल्ट आ जाता है, तो हमारा फोन का डिस्प्ले आ गया है, तो हम जंपर नहीं लगाएंगे, पर हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम यहां कॉम्पोनेंट लगाएंगे, राइट। तो पहले आइए जंपर निकाल देते हैं, क्योंकि जंपर कितना ही प्रोटेक्शन कर लो, जंपर से आप मोबाइल टेक्नीशियन नहीं बन सकते सर, जंपर तो निकल ही जाता है, ठीक है। तो मैंने उस पर पैड भी बना दिया है। अब हम किसी पुरानी पीसीबी प्लेट को लेते हैं, और एक कॉइल ले लेते हैं। ये कॉइल का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, आप नोटिस करो, है ना। तो अपन कोई दूसरी प्लेट लेते हैं, ये देखिए ये कॉइल लग जाएगा, ठीक है। तो उस इस कॉइल को निकाल लेते हैं, तो देखिए इस कॉइल को निकाल लिया दोस्तों। अब इस कॉइल में यहां लगाएंगे, तो
तो कॉइल लग गई है, ठीक है। देखिए कॉल को टेस्ट कर लेते हैं। और जिया चेक कर लेते हैं, आ रहा है, ये होता है एकदम कंपनी वाला काम। ये देखिए अब ऐसा लगेगा ही नहीं, कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि भैया कोई काम भी हुआ है। हाँ, और ऐसा अपनी दुकान वाले को दे दो काम, वो सोचता रहेगा कि भैया तुमने बनाया कैसे बूट। उसको बोलो कि भैया हमने सीपीयू रिबॉइल किया है। ये देखिए ये अभी वो कॉइल जो मैंने निकाला है इस बोर्ड से। तो दोस्तों ऐसे जो छोटे छोटे काम है ये भी मार्केट में आते रहते हैं और आपको इन कामों का नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैंने आपको आज 9A के डिस्प्ले सेक्शन को बहुत एक्सप्लेन किया है और लाइनों के बारे में बताया है। आपको किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको इसके आंसर दूंगा। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये चेक कर लेते हैं कि ये जो कॉइल लगाया है वो ओके है कि नहीं है। तो नोटिस करो, देखो ओके है, ग्राफिक्स आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी होगी तो आप एसर टेलीकॉम में कॉल लगाइए। और एसर टेलीकॉम दोस्तों मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। एसर टेलीकॉम 100% जेन्युइन एक इंस्टीट्यूट है। अगर आपको हमारी जेन्युइन आपको चेक करना है कि हम कितने जेन्युइन हैं तो हमें लाइव वॉच कीजिए फेसबुक पर, और फेसबुक में आइए और देखिए हमें हम, क्योंकि कोई भी फेक व्यक्ति, कोई भी वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं चीट कर रहा है तो वो कभी भी डेली लाइफ तो कभी नहीं आ सकता है। और हम इंडिया में एक लौते हैं और ये बात दावा करके हम कह सकते हैं कि हम डेली आते हैं लाइव 4 बार 5 बार 6 बार। और ये सिर्फ ये इसलिए लाइव नहीं आते कि शकल दिखानी, हम रात में स्टूडेंट से पूछते हैं जाने से पहले कि आपसे क्या बना क्या नहीं बना, भले इसके लिए मैं ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो ये मेहनत भी आप लोगों के साथ है। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।